काफ़ी कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर से बात हुई, उसके बाद मेरा ट्रांसप्लांट एरिया बहुत स्मूथली किया गया। यहाँ तक कि जो मेरे घर के रिलेटिव्स हैं वो भी नहीं बता पाते कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है। मेरा नाम निखिल गुप्ता है, मैं जोधपुर से हूँ। मैं करीब 8 महीने पहले एयर ट्रांसप्लांट के लिए मेरे को सजेस्ट किया था ग्लैक्सो का। जोधपुर में मेरे प्रिय मित्र ने मेरे को सजेस्ट किया था, जो 2015 में ही सेम क्लिनिक से करवा के गए थे। जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे को डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किया था कि मेरे जो डोनर एरिया है बाल थोड़े पतले में हैं, और थोड़ी मेरे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्पल एरिया, ये भी पहले नहीं था। और जैसे दर्द होता है या बाल का सोचना रहता है कैसे होगा कैसे नहीं आएगा, मेरा ये मानना है कि डॉक्टर साहब ने जैसे स्टडी कर रखी इस पर, तो उन पर फेथ करना चाहिए हमें। तो काफ़ी कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर से बात हुई, उसके बाद मेरा ट्रांसप्लांट एरिया बहुत स्मूथली किया गया। और ऐसे ही करते 8 महीने पहले मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था, दिन ब दिन जैसे ग्रोथ बढ़ती रही तो दिखने में भी लुक में बहुत सुधार आया। यहाँ तक कि जो मेरे घर के रिलेटिव्स हैं वो भी नहीं बता पाते कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है, उनको लगता है नेचुरल ग्रोथ आ गई है। और इस ग्रोथ से मैं, मेरा परिवार सब बहुत खुश है। और सभी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जिनको भी हेयर फॉल इश्यूज हैं वो ग्लैक्सो हेयर साइंस को ज़रूर मौका दे। यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल।